हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। हम सभी को पता है कि भारत का संविधान जब बना था, क्योंकि हमारा देश सातवां बड़ा देश है, विश्व का सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी जनसंख्या मान के मान से हम लोग दूसरे नंबर पर हैं और भौगोलिक क्षेत्र के मान से हम लोग सातवें नंबर के बड़े देश हैं विश्व के। तो विश्व का इतना बड़ा देश होने की वजह से जब हमारे संविधान को बनाया गया था, तो संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को फेडरल संविधान बनाया। ये फेडरल को बोलते हैं संघात्मक, यानी हमारा संविधान जो है वो संघीय संविधान है। अब ये संघात्मक संविधान क्या होता है? संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई और संघात्मक शासन व्यवस्था में एक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही है। यदि आप वर्तमान में गौर करें तो हमारे देश में एक केंद्र सरकार है और 28 राज्य होने की वजह से 28 राज्य सरकारें भी काम कर रही है। अब हमारे देश में सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप भी मेंटेन किया गया है हमारे संविधान में। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने एक एक बिंदु पर डिस्कस किया था और भाग नंबर 11 और भाग नंबर 12, संविधान में टोटल 22 भाग हैं। इन 22 भागों में से जो दो भाग हैं, पार्ट 11 एंड पार्ट 12, ये दोनों भाग जो हैं केंद्र राज्य संबंध के विषय में कुछ बातें बताते हैं। तो उसके पहले हम सब स्टार्ट करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यानी आज का विषय है केंद्र राज्य संबंध। और आज केंद्र राज्य संबंध में हम समझेंगे कि भारत में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को किस प्रकार से मेंटेन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया इज द फेडरल स्टेट। हम सभी लोगों को पता है कि भारत एक संघात्मक गवर्नमेंट है, संघात्मक राज्य है और हमारे संविधान ने इसको संघात्मक यानी फेडरल दिया है। और ये हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से प्रेरित होकर हमारे देश को भी संघात्मक राज्य का दर्जा दिया। अब संघात्मक राज्य जरूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा संविधान जो है केंद्र राज्य की तरफ एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा सा बायस है, मतलब हमारे संविधान का झुकाव केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा है। तो हमारा संविधान स्ट्रॉन्ग सेंटर की वकालत करता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब केंद्र सरकार मजबूत होगी किसकी तुलना में, राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत होगी। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर इन 28 स्टेट्स और उसके अलावा 28 सरकारें हैं। अब दोनों गवर्नमेंट के जो विभाग हैं वो बांट दिए गए हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन लिस्ट बताई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके विषय अलग हैं, जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, डिफेंस रक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, विदेशी मामले, परमाणु, अंतरिक्ष, जो बड़े मुद्दे हैं जो सेंट्रल लेवल के मुद्दे हैं वो संविधान ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए कि इन पे वो कानून बना सकेंगे। राज्य सरकार के मुद्दे अलग हैं, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट, ऐसे जो विषय हैं वो राज्य सरकार के। एक लिस्ट और है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम संवर्ती सूची कहते हैं, जिसपे दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। उसमें वित्त भी आता है, उसमें शिक्षा भी आता है, उसमें पर्यावरण संरक्षण भी आता है। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसमें दोनों कानून बना सकेंगे। अब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो संविधान के दो भागों का अध्ययन करना पड़ेगा, भाग 11 जो आर्टिकल 245 से 263 तक बताया गया है और भाग 12 जो आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक बताया गया है। इन दो भागों में केंद्र राज्य संबंध को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन रिलेशन बताए गए हैं, एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी कानून बनाने की शक्ति का संबंध कैसा होगा, जिसे हम विधायी संबंध कहते हैं। तो विधायी संबंध मतलब किन मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, वो इसमें बताया गया है। ये आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक बताया गया है। इसके बाद प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे दोनों में, केंद्र और राज्य के बीच में एग्जीक्यूटिव रिलेशन कैसे होंगे, प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, 256 से 263 तक इसके बारे में व्याख्या की गई है। फाइनेंशियल रिलेशन भाग नंबर 11 में बताया गया है, भाग नंबर 12 में, ये दोनों जो है ये भाग नंबर 11 में बताए गए हैं और ये जो फाइनेंशियल रिलेशन है ये भाग नंबर 12 में बताया गया है और ये 264 से लेकर 300A तक बताया गया है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल रिलेशन के लिए फाइनेंस कमीशन ने वित्त आयोग 280 में वित्त आयोग जो रिकमेंडेशन देता है उसके बारे में बताया गया है। आजकल जीएसटी काउंसिल बन चुकी है तो जीएसटी काउंसिल भी केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो करों का बंटवारा है, जो रेवेन्यू राजस्व का बंटवारा है, उसके बारे में बात करती है। तो ये है मित्रों केंद्र राज्य संबंध जिसके बारे में हम लोगों ने समझा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल नॉइजी।